हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमंत मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके MX प्लेयर में ऑडियो काम नहीं कर रहा है तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, और साथ में क्या होता है जब आप MX प्लेयर में कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर जो और भी आपने जो बैकग्राउंड में जो आपके और भी जो एप्लीकेशन है वो ऑन है, जिसमें आपका म्यूजिक वगैरह है, वो साथ में गाना चल रहा है, जब भी आप MX प्लेयर को ओपन करते हैं तो वो गाना आपका जब वीडियो देखते हैं MX प्लेयर में वो बंद नहीं होता है, दूसरा ऑडियो जो चल रहा है आपको, जब भी आप MX प्लेयर का वीडियो ओपन करते हैं और देखते हैं तो जो पहले से यहाँ पर जो आपका कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा है म्यूजिक प्लेयर में वो वहाँ पर बंद नहीं होता है, और आप MX प्लेयर का भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो वहाँ पर डबल डबल आवाज़ आती है, जिसके कारण आपको ऑडियो क्लियर नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी एप्लीकेशन चल रही होती है म्यूजिक वगैरह, वहाँ पर आपको बैक जाकर उसे बंद करना होता है, फिर आपको MX प्लेयर में आके फिर से वीडियो को आपको चलाना होता है, तब वहाँ पर आपका जो वीडियो का ऑडियो है वो आपको सुनाई देता है। लेकिन आप चाहते हैं जब भी आप MX प्लेयर को ओपन करें और वहाँ पर जैसे ही आप वीडियो को ओपन करें तो तुरंत ही वहाँ पर जो और पहले से जो भी कोई म्यूजिक चला या गाना चला है वो अपने आप बंद हो जाए, और जो आप MX प्लेयर का वीडियो देख रहे हैं सिर्फ आपको उसी का ही ऑडियो सुनाई दे। तो इसको आप MX प्लेयर में अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है ऑडियो, और फिर आप उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, और जिनके मोबाइल में अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप एक साथ दो म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है वैसे एक ही म्यूजिक एक बार में ही सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अगर आपको ट्राई करना है कि दोनों म्यूजिक एक साथ कैसे चलेंगे, आपका जो आपका म्यूजिक का जो सॉन्ग चल रहा है और साथ में आप चाहते हैं वीडियो का भी सॉन्ग चले, तो आपको उन दोनों को भी यहाँ पर चला सकते हैं एक साथ, दोनों आपको आवाज़ सुनाई देंगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही होती है कि जब आप MX प्लेयर में वीडियो देखते हैं तो सिर्फ आपको वीडियो का ही यहाँ पर ऑडियो सुनने की जरूरत होती है। तो इसको आपको कैसे एक्टिवेट करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो यहाँ पर बेल का ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी जरूर दबा लीजिए। और चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से उसका यूज करके आप यहाँ पर जो अपना वीडियो प्लेयर है उसका ही ऑडियो सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पर मोबाइल पर एक ऐप दिख रहा है MX प्लेयर का, तो सबसे पहले आपको MX प्लेयर का ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप MX प्लेयर के यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में फोल्डर के पास थ्री लाइन दिखाई दे रही हैं, तो आपको आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लोकल प्लेयर सेटिंग दिखेगी, आपको इस सेटिंग पर आ जाना है। आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन प्लेयर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्ले अलोन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई भी यहाँ पर अपने मोबाइल में कोई भी आपका जो म्यूजिक प्लेयर है उसमें कोई सॉन्ग चल रहा है और साथ में आप यहाँ पर MX प्लेयर में भी वीडियो चलाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर दो ऑडियो एक साथ चलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जो वीडियो देख रहे हैं उसका आपको जो ऑडियो है क्लियर सुनाई नहीं देता है। लेकिन आपको चाहते हैं कि आपको सिर्फ आपका जो वीडियो है उसका ऑडियो सुनाई दे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो जब भी आपका MX प्लेयर का वीडियो ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली तो दूसरा म्यूजिक कोई भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा या किसी भी ऐप से चल रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ प्ले अलोन पर क्लिक करना है, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो और म्यूजिक यहाँ पर चल रहा था, तो हम एक कोई यहाँ पर बैक में आ जाते हैं और होम स्क्रीन पर जाके कोई एक म्यूजिक चला देते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ क्लिक किया तो मैं कोई एक म्यूजिक क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर देखा जैसे मैंने ये वीडियो चलाया तो इस वीडियो की आवाज़ आपको आने लगी, जो म्यूजिक ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा था म्यूजिक में वो बंद हो गया है। तो जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर प्ले हो जाएगा और आपका वो म्यूजिक बंद हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार रोक के देखता हूँ कि उसमें जो कि अब आवाज़ आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर मैं जो वीडियो चलाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो जो म्यूजिक था जो चल रहा था वहाँ पर सॉन्ग तो वो बंद हो चुका है, और यहाँ पर आप वीडियो आपने चलाए तो यहाँ पर आपकी वीडियो की ही आवाज़ आ रही थी। तो आप इस तरह से ही इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर जो यहाँ पर MX प्लेयर का जो वीडियो है
सिर्फ वहाँ पर दो दो आवाज़ें आ रही थी जो और म्यूजिक चल रहा था, तो उसको यहाँ पर हमने किस तरह से बंद किया और सिर्फ यहाँ पर आप एम एक्स प्ले की वीडियो का ही ऑडियो ऐसे सुन रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।